today's video, I'm going to create a look जो कि बहुत ही gorgeous सा होने वाला है, जो कि आप लोगों को होप करती हूँ बहुत पसंद आएगा. सो मैं स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगी कि कैसे आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो जो कि आप लोगों ने देखा. सबसे पहले मैंने वीडियो के पहले के आपको लुक दिखा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चले, एंड आप मैंने थंबनेल में भी दे लाइक दिया हुआ है ताकि आप लोग को और अच्छे से पता चल जाए. ओके सो चलिए फिर वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते, क्योंकि अगर जल्दी स्टार्ट नहीं किया तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो. ओके सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब टू माई चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये गुड वाइब्स का ये टोनर. तो टोनर को मैं थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दूंगी पूरे स्किन में. नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी ये गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल, जो कि मेरे स्किन के साथ बहुत ही अच्छे से मैच होता है. एंड इसको लगाने के बाद मेरा जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है. बट ऐसा खास कोई इफेक्टिव नहीं है कि इसको लगाने के बाद मेरा स्किन बहुत ग्लोई दिखता है या फिर कुछ. तो ये मैं लगा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि ये मेरे स्किन को थोड़ा हाइड्रेटेड बनाता है. और फिलहाल मेरे पास यही है और लाइक जेल फॉर्म में यही है, तो मैं ये लगा रही हूँ. अगर आपके पास कोई और जेल बेस्ड है तो आप लगा सकते हो. नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगा लूंगी खादी का ये फेशियल सीरम, जो कि मेरे स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव बन गया है और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में भी मुझे मिला है. अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी आई बटन में, आप लोग जाके देख सकते हो. और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था, क्योंकि मेरा स्किन थोड़ा ड्राई है इसलिए मैं हमेशा ऑयल बेस्ड चीजें लगाती हूँ. और ये मेरे स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली भी है तो आप इसको यूज कर सकते हो. ये हर्बल है एंड इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये लॉरियल पेरिस का ये मॉइस्चराइजर लगा लूंगी. अगेन ये बहुत ही लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर है एंड इसको मैं कंटिन्यू यूज कर रही हूँ पिछले बहुत दिनों से. एंड ये मेरा बहुत ही फेवरेट है. अगर आप लोग चाहो तो उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो. सो फर्स्ट मैं अपना आई मेकअप करने वाली हूँ एंड उसके लिए मैं आज यहाँ यूज कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन फॉर माय आई बेस. एंड इसकी जो कवरेज है बहुत ज्यादा अच्छी है एंड दैट्स वाई आज का जो आई मेकअप है वो मैं थोड़ा हैवी रखूंगी, तो उसके लिए ये वाला फाउंडेशन बेस्ट है. अगर आप सोच रहे हैं कि एक लाइक अच्छा बेस वाला फाउंडेशन आपको चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हो. बट अगर आपके पास कंसीलर अच्छा है तो आप डेफिनेटली कंसीलर यूज कर सकते हो. लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, सो दैट्स वाई मैं जब से इसको यूज कर रही हूँ मैं इसी को एज अ आई बेस रखती हूँ. ऑब्वियसली जब मैं अपना आई मेकअप हेवी रखना चाहती हूँ तब. अगर आपको लाइट वाला मेकअप चाहिए तो प्लीज आप इसको यूज ना करें, कंसीलर वगैरह यूज कर ले. अगर आपको हेवी चाहिए तो आप डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो. जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उनको मैं ऐसे थोड़ा सा हटा लूंगी ताकि बिल्कुल लाइट हो. आपको इस तरीके से जो आउटर वी है वहां पे इस तरीके से लगा लेना है जो कलर है. आउटर वी से आपको इनर कॉर्नर की तरफ ऐसे आना है. प्रोडक्ट आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है ताकि स्टार्टिंग में ही ज्यादा डार्क ना होए. इसको मैं अच्छे से कर दूंगी ब्लेंड. तो मैंने ट्रांजिशन के कलर को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पे लूंगी एक शेड डार्क, यानी कि यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन ले रही हूँ फॉर माई आउटर वी. आपको बिल्कुल इस तरीके से जो है आउटर वी में आउटर वी का जो कट है वहां पे जो कट क्रीज आता है वहां पे आपको कुछ इस तरीके से जो कलर है उसको जस्ट ऐसे आपको रख देना है. तो आप देख सकते हो मैं आउटर वी से लाइक इनर कॉर्नर की तरफ थोड़ी आ रही हूं. लाइक आपको बिल्कुल एकदम से आ नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे बिल्कुल आना है इस तरीके से.
तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पे मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन लूंगी एंड इससे जो है मैं कट क्रीज जो है उसको कर लूंगी, क्योंकि आज के लुक में मैं आई मेकअप कट क्रीज में ही रखने वाली हूँ। लाइक बहुत दिनों से मुझे आप लोग कह रहे हो कि कट क्रीज का ट्यूटोरियल दिखाने के लिए, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड क्यों ना इस लुक पे ही कट क्रीज किया जाए एंड बहुत ही इजी सा है, आप लोग सभी इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो आपको कट क्रीज करना है बिल्कुल इनर कॉर्नर से एंड लेफ्ट वाले आई पे मैंने पहले ही कर लिया है। आपको लेना है एक फ्लैट ब्रश एंड देन आपको इस तरीके से आपको देखना है आपका क्रीज लाइन कहाँ तक है, तो वहां पे आपको हल्के हाथों से इस तरीके से कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने कट क्रीज जो है वो कर लिया है एंड देन आपको फिर से जिस ब्रश से आपने यू नो ट्रांजिशन किया था उसी ब्रश को ले लेना है एंड देन आपको जो डार्क ब्राउन शेड है जो मैंने आउटर वी के लिए यूज किया था वो आपको थोड़ा अच्छे से लाइक ब्लेंड कर देना है, ताकि जो भी यहाँ पे हार्श लाइन है वो बिल्कुल अच्छे से ढक जाए। तो यहाँ पे मैं वही शेड लेके इसको अच्छे से कर दूंगी उसे ब्लेंड, ताकि इसका लुक बिल्कुल नेचुरल आए। नेक्स्ट जहां मैंने कट क्रीज किया है वहां पे मैं गोल्डन शिमर ले लूंगी एंड उसको मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से वहां पे लगा लूंगी। तो मैंने कहा कि आज का जो आई मेकअप है मैं वो थोड़ा हैवी रखूंगी, उसके लिए मैं आज यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैंने शिमर शेड तो यूज किया ही है, बट इसको और ज्यादा यू नो गॉर्जियस दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पे यूज करूंगी मिस क्लियर फेस शिमर डस्ट एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड इसको मैं बहुत दिनों से यूज नहीं की हूँ वैसे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक हैवी लुक जब क्रिएट करूंगी तभी ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो यहाँ पे मैं ले लूंगी अगेन एक फ्लैट ब्रश एंड उसके हेल्प से मैं पूरा जो आईलिड है उस पर पूरा तो नहीं दूंगी लेकिन कम थोड़ा बहुत दे दूंगी एंड आप देखें इसको लगाते ही जो आई लुक है कितना ज्यादा गॉर्जियस दिखने लगेगा। वैसे तो आप ये लुक भी क्रिएट कर सकते हो, आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल सा है एंड इसको आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ जो है मैं पहले ग्लू लगा लूंगी, आपको अच्छे तरीके से जो ग्लू है उसको लगा लेना है एंड देन जो है मैंने यहाँ पे ब्रश पे ऐसे ले लिया है, देन आपको बस ऐसे डैप कर लेना है। ओ वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। आई रियली डोंट नो कि आप लोगों का कैमरा में कितना ज्यादा साफ दिख रहा है, बट इन रियल ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड एंड बहुत ही गॉर्जियस दिख रहा है एंड आई एम सुपर 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 हैप्पी कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। ओके, तो मैंने दोनों आंखों पे लगा लिया है एंड देन आप जो लास्ट स्टेप है वो आपको करना है, अगेन आपको ये डार्क ब्राउन शेड लेना है एंड देन आपको जो आउटर कॉर्नर है उसको और अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ताकि जो लुक आए वो बहुत ही नेचुरल आए। ओके, सो चलते हैं अब बेस मेकअप की तरफ। अभी आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, डोंट वरी, ये लास्ट तक आप देखिए। सो फाउंडेशन के लिए मैं आज यहाँ यूज कर रही हूँ ये मैक फाउंडेशन एंड दोनों को मैं करने वाली हूँ मिक्स। तो मैंने इन दोनों को कर लिया है मिक्स एंड इसको बना लिया है अपने शेड में, अपने शेड का सॉरी। तो अब मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है एंड पूरे फेस पे इसको लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे के ब्यूटी पाउडर यूज कर रही हूँ, ये ट्रांसल्यूशन पाउडर है एंड ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप कोई ट्रांसल्यूशन पाउडर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो मेरा पूरा जो भी बेस मेकअप है उसको मैं अच्छे से कर लूंगी सेट, फोरहेड में अच्छे से आपको पूरे फेस में जो है लगा लेना है एंड स्पेशली अंडर आई पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो पाउडर है उसको सेट करना है, वरना अंडर आईज में मुझे बहुत लोग पूछते हो कि अंडर आईज पे जो केकीनेस आ जाता है वो क्यों आता है।
सो यही रीजन है कि आपका जो अंडर आई है वो अच्छा नहीं होता है, लाइक फट जाता है बहुत ज्यादा. यही है कि आप उसको अच्छे से बेक नहीं करते हो और प्राइमर नहीं लगाते हो अच्छे से. तो वही रीजन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले जो है स्किन केयर करना है, एंड देन आपको कोई भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो उससे पहले स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हल्का सा मैं ब्लश लगा लूंगी क्योंकि मुझे ब्लश लगाना बहुत ज्यादा पसंद है. तो लोअर लैशेस में मैं अब थोड़ा सा जो लाइट ब्राउन शेड है उसको लगा लूंगी, क्योंकि लोअर लैशेस में आप जब तक नहीं लगाओगे ना आई शेडो वगैरह तो जो लुक है वो कंप्लीट नहीं आएगा. आप कुछ भी लगा लो लोअर लैशेस पे, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं टचअप दिया ना तो आपका आई लुक कभी भी कंप्लीट दिखता नहीं है. नेक्स्ट मैं आई ब्राउज को थोड़ा फिल कर लूंगी. एक स्पूली के हेल्प से मैं इसको थोड़ा और नेचुरल लुक देने के लिए उसको अच्छे से कॉम कर लूंगी. एंड कॉम करना बिल्कुल ना भूलें आईब्रोज फिलअप करने के बाद, क्योंकि कॉम करने के बाद आप अगर कभी ध्यान दिए हैं तो आपको पता होगा कि जो लुक आता है वो बहुत ही नेचुरल आता है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलाइनर की जगह आज यूज करूँ इंगलॉट का ये लाइनर. आप इसको एज अ काजल भी यूज कर सकते हो, लाइनर भी यूज कर सकते हो. इसका अगर फुल रिव्यू चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे किया है, नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पे जाके देख सकते हो. एंड ये बहुत ही अच्छा एक लाइनर है. अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर अच्छा वाला लाइनर या फिर काजल चाहिए तो इंगलॉट इज द बेस्ट. पहले मैं थोड़ा सा लोअर लैशेस मतलब काजल लगा लूंगी इससे, देन इसको मैं आईलाइनर एज अ आईलाइनर लगाऊंगी. ओके, सो मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई कर लिए हैं एंड देन मैं यहाँ पे लिपस्टिक के लिए रेड लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. सोच रही हूँ रेड यूज करूं या फिर ये यूज करूं, क्योंकि ये जो है मेरे आउटफिट के साथ मैच करता है. सो देखते हैं दोनों को मिक्स एंड मैच करके हम इसको लगाएंगे आज. देन इसको लगाने के बाद ये जब थोड़ा ड्राई हो जाएगा देन मैं ये वाला शेड लगाऊंगी, एंड ये है फ्रॉम ब्लू हेवन. एंड ब्लू हेवन के लिपस्टिक्स आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एंड हाईली पिगमेंटेड होता है. सो अगर आपको कम रेंज में अच्छी वाली लिपस्टिक चाहिए ना तो आप ब्लू हेवन पे ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. अगर आप लोगों ने अभी भी मेरा पिछला वाला मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो वहां पे आप देख सकते हो मैंने जो है ब्लू हेवन का ही लिपस्टिक यूज किया है. ओके, सो माय मोस्ट फेवरेट पार्ट हाइलाइटिंग. यहाँ पे मैं स्वीस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, बहुत अफोर्डेबल भी है एंड साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर रहा है, आप देख सकते हो. थोड़े से जो है इनर कॉर्नर्स में मैं लगा लूंगी, इससे जो आई लुक है वो और ज्यादा पॉपअप होता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो मेरा मेकअप डन है, अब मैं थोड़ा सेटिंग स्प्रे से पूरा मेकअप सेट कर लूंगी. सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको आज का जो लुक है वो पसंद आ रहा होगा. पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो जो आई मेकअप है वो बहुत ही ग्लोई लग रहा है. सो आप लोग इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि हाउ यू कैन क्रिएट दिस लुक. आप कोई भी ओकेजन में इसको क्रिएट कर सकते हो. सो ओके, आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे एंड आई होप कि आपको आज का ये लुक अच्छा लगा होगा. सो ओके गाइज, बाय.